वक्त की पुकार है अमन कुमार उर्फ हरि बोल, वक्त की पुकार है अमन कुमार उर्फ हरि बोल, गरीबों के दिल के हुंकार है अमन कुमार उर्फ हरि बोल। एक बार जिला परिषद सदस्य बनाकर देखिए, आपके समस्तीपुर क्षेत्र संख्या 21 के सच्चे पहरेदार हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल। जी हाँ, समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 के तमाम जागरूक मतदाता भाई और बहनों, इस बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आपको अपने समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 के लिए चाहिए एक ऐसा नेक कर्मठ, ईमानदार और सच्चा समाज सेवक जो आपकी सेवा करे, आपको हक अधिकार दिलाए, आपके अपने क्षेत्र संख्या 21 में विकास की गंगा बहाए, और वो है अमन कुमार उर्फ हरि बोल। तो इस बार के चुनाव में किसी के बहकावे में नहीं आना है और अमन कुमार उर्फ हरि बोल को ही समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से अपना जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित कर नए युग की शुरुआत करनी है। जिंदाबाद, डुमरी उत्तरी पंचायत की जनता जिंदाबाद, डुमरी दक्षिणी पंचायत की जनता जिंदाबाद, राजपुर जौनापुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, देवी बिशनपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, जलालपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, दशहरा पंचायत की जनता जिंदाबाद। एक बार जिला परिषद का सदस्य बनाकर देखिए, आपका अपना बेटा अमन कुमार उर्फ हरि बोल हर मुश्किल से लड़ेगा। समाज को एकता के सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ने में भरोसा और विश्वास है अमन कुमार उर्फ हरि बोल का। तो आइए, मोहनपुर प्रखंड के डुमरी उत्तरी, डुमरी दक्षिणी और साथ साथ राजपुर जौनापुर, देरी बिशनपुर, जलालपुर एवं दशहरा पंचायत की तमाम जनता एकजुट हो जाइए, क्योंकि आपको चुनकर लाना है एक ऐसे नेक ईमानदार को जो आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाए, आपके अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाते हुए आपको मान सम्मान दिलाए और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 की तमाम समस्याओं का समाधान करे, और वो हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल। तो अमन कुमार उर्फ हरि बोल को ही समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से जिताना है और नया इतिहास बनाना है।
गैस की ए बहामा परती हो चाचा जी अमन कुमार उर्फ हरि बोल जिंदाबाद, डुमरी उत्तरी पंचायत की जनता जिंदाबाद, डुमरी दक्षिणी पंचायत की जनता जिंदाबाद, राजपुर जौनापुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, टेरी बिशनपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, जलालपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद, दशहरा पंचायत की जनता जिंदाबाद। हमने झोपड़े को महल बनते देखा है, हमने झोपड़े को महल बनते देखा है, दरिया को समंदर बनते देखा है, एक छोटी सी चिंगारी को आगाज बनते देखा है और एक आवाज को इनकलाब बनते देखा है। यही इनकलाब अपने सीने में लेकर निकल पड़े हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल, जिनके दिल में है गरीबों के लिए स्नेह, लाचारों के लिए ममता, वो है अमन कुमार उर्फ हरि बोल। तो अमन कुमार उर्फ हरि बोल की जीत आपकी जीत है, गरीब दलित किसान छात्र नौजवान माताओं बहनों की जीत है। अमन कुमार उर्फ हरि बोल की जीत समस्तीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 की महान जनता की जीत है। तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हमें जाति मजहब की दीवारों को तोड़ना होगा, चलना होगा चुनाव बूथ पर और अमन कुमार उर्फ हरि बोल को ही जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 समस्तीपुर से चुनकर नया इतिहास लिखना होगा। जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, वो जब्र भी देखा है तारीख ने अहदों का, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आपकी एक छोटी सी गलती आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है, हाथ मलने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए पछताने से पहले, हाथ मलने से पहले आपको समझदारी भरा फैसला करना होगा, चुनना होगा उसे जो नेक हो, कर्मठ हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, वफादार हो, आपकी सेवा के लिए तैयार हो, और वो हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल। जी हाँ, अमन कुमार उर्फ हरि बोल जो तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए। आपके क्षेत्र संख्या 21 की सारी समस्याएं जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की समस्या सुलझाने के लिए तैयार खड़े हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल। आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ईमानदारी पूर्वक दिलवाने को तैयार खड़े हैं अमन कुमार उर्फ हरि बोल। अमन कुमार उर्फ हरि बोल की जीत आपकी जीत है, गरीब दलित किसान छात्र नौजवान माताओं बहनों की जीत है। तो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपको एक होना होगा और अमन कुमार उर्फ हरि बोल को ही समस्तीपुर जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से चुनकर आपके अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिला परिषद का सदस्य बनाना होगा।